सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आबादी में इजाफे की ये शरह जो है वो किस हद तक संगीन है, और अब हुकूमत बनने के बाद मुस्लिम लीग नून की जो प्रायोरिटीज हैं इस हवाले से वो कहाँ हैं, किस दर्जे पे हम इसे देख सकते हैं? जी सर, आपने सही कहा। इनफैक्ट पॉपुलेशन काउंसिल जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है, हम बड़े अरसे से पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टोस पे काम कर रहे थे। पिछली दफा भी हमने 2018 के इलेक्शंस में भी काम किया था इनके साथ, बट इस दफा भी हमने सारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे काम उनके साथ काम किया, और सब ने बहुत हमारी जो उनसे इंटरेक्शंस हुए और जो हमने उन्हें पॉलिसी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी उस पर उन्होंने काफी हद तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें अपने मंशूर में शामिल किया, और PMLN ने भी डेफिनेटली अपने मंशूर में बहुत सी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स की हैं। लेकिन आप वाली बात कि अब तो कमिटमेंट्स तो कर दी मंशूर में, अब आगे जो इकदाम क्या उठाने चाहिए, वैसे अगर वो मंशूर के जो अपनी कमिटमेंट्स हैं उसमें देखें काफी स्पेसिफिक पॉलिसी कमिटमेंट्स हैं, उनको अगर अमली सिर्फ जामा पहनाया जाए ताकि वो सिर्फ कमिटमेंट्स तक ना महदूद रहें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रॉडली मैं तीन चीजें मतलब पॉइंट आउट करना चाहूंगी। एक तो ये कि बहुत जरूरी है कि हम फैमिली प्लानिंग के लिए रिसोर्सेज या इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ाएं, यानी कि हम जो इस वक्त बजटरी रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के लिए वो पहले से ज्यादा बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी भी कम है। मतलब अगर आप रीजनल कंट्रीज से कंपेयर करें तो बांग्लादेश मेरे ख्याल में हमसे तकरीबन हम $1 पर कैपिटा के कर रहे होंगे, वो लोग जो 1-1.5 के बीच में है वो लोग 2.5-3 के, या तकरीबन डबल पर कैपिटा वो स्पेंड कर रहे हैं रिसोर्सेज। एक तो एडिशनल रिसोर्सेज जरूरी है क्योंकि उन्हीं से ही आपकी जो सर्विस प्रोविजन है वो बेहतर हो सकती है, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी बेहतर यूटिलाइजेशन, उनको भी स्मार्टली उन प्रोग्राम्स में उन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से हमें बेहतर आउटकम मिल सकता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि जो पॉलिसी साजी की गई है उसमें हमने भी जब इन पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी उनसे हमने यही कहा था कि खास तौर पे जो गरीब तबका है उसकी सहूलियात, फैमिली प्लानिंग की सहूलियात की रसाई तक के लिए ज्यादा इकदाम करने चाहिए। हमने कुछ जी, और एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि जो ग्रास रूट कम्युनिटी लेवल पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का ओरिजिनल रोल था फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और मशवरा देना, वो जो है वो काफी साइड ट्रैक हो चुका हुआ है। बहुत जरूरी है कि इनको वापस उनके जो मैंडेट है उस पे लाया जाए, और लास्टली ये कि जो हमारा हेल्थ पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंसूबा बंदी वाले सेंटर्स तो हैं ही, लेकिन उनसे बियॉन्ड जो हमारे BHUs, RHCs और टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं जहां औरतें जचकी के लिए जाती हैं, खांसी जुकाम के लिए लोग जाते हैं, वहां पे ये सहूलियात जो हैं फैमिली प्लानिंग की भी ठीक है पूरे तरीके ये से। जाहिर है कि एक बहुत ही एक में कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इसमें एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, और मामला यह है कि तवील मुद्दत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमतें बेचारी उनके लिए बड़ा मसला होता है अपनी मुद्दत पूरी करना। तो ऐसे में आप क्या समझती हैं कि क्या एक इसको एक नेशनल प्रोग्राम के तौर पर लेकर चला जाए और हुकूमतें कोई भी हो लेकिन उनकी प्रायोरिटी एक यही हो, और इसको जो है पॉलिसीज का तसलसल जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है इसमें? I think you've raised a very important point because I think this is where Pakistan has lacked the most. We were one of the first countries to initiate a family planning program in this region, aur hum bajaye ye ki us head start ka fayda uthate ab sare mulk humse piche chale gaye, aur uski bunyadi wajah ye hai kyunki family planning ek aisi cheez hai jo ke aapke long term आपको उसके जो फवायद हैं वो मिलते हैं, ठीक है ना, कौमी तरक्की की सूरत में, लोगों की बहबूद की सूरत में,
और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हुकूमत कोई भी हो, आए जाए जिस तरह की भी हो, ये जो प्रायोरिटी है पॉपुलेशन मैनेजमेंट की, सस्टेनेबल पॉपुलेशन की, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ होता रहा है, हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं में उसकी वजह भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या रही, क्योंकि अपने तौर से हर हुकूमत ने इसके ऊपर काम किया और बहुत पुराने अपने, हम तो अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं जनाब, वो फैमिली प्लानिंग के और ये सारी चीज़ आप डिस्कस कर रही हैं, वजह क्या रही, पाकिस्तान में नाखानदगी रही या फिर हमारी वो जो सो कॉल्ड हम बात करते हैं मजहबी अकदार के हवाले से भी कभी हम कहते हैं, ये चीज़ें एक बड़ी रुकावट रही इसमें। मेरे ख्याल में ये भी आपकी बात दुरुस्त है। एक तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल, जैसे आपको पता है कि ज़ियाउल हक साहब के जमाने में तो इसको बिल्कुल बैक बर्नर पे रख दिया गया था, फिर बहरहाल फिर थोड़े अरसे में उन्होंने जरा लेट पॉपुलेशन के मिनिस्टर को भी रख लिया था। लेकिन प्रायोरिटी आप किस तरह रिफ्लेक्ट होती है ना, प्रायोरिटी मैनिफेस्टो में छापने से तो नहीं हो जाती या सिर्फ तकरीरें करने से तो नहीं हो जाती, प्रायोरिटी इन्हीं चीजों से रिफ्लेक्ट होती है जो मैंने अभी आपसे पहले बातें की कि आप रिसोर्सेज एलोकेट करें, आप वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें और उनकी कंटिन्यूटी इंश्योर करें। लेकिन साथ ही साथ जो आपने एक और इम्पोर्टेंट बात की है वो ये भी है कि हमारे यहाँ जो शरह खानदगी है, लिटरेसी रेट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा सबसे लोएस्ट है, और स्पेशली हमारी खवातीन का। और डेटा हमें बताता है कि खवातीन की खानदगी और फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल जो है उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है, जितनी खवातीन पढ़ती हैं उसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल उनके लिए वो ज्यादा ओपनली इस्तेमाल, मतलब खुल इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह खवातीन की ख्वांदगी और खवातीन की एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें मर्द हजरात की ख्वांदगी जो है वो भी एक मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हजरात की तो बहुत मैटर करती है। इस तरह के हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारी जो इकदार है, उसमें मर्द एज अ हेड ऑफ द फैमिली उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि बहुत दफा ये होता है कि मर्द की अगर सपोर्ट ना हो तो औरत फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकती। तो ये बहुत जरूरी है, मेल इन्वॉल्वमेंट जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट तभी बेहतर हो सकती है जैसे आपने कहा अगर हमारे मर्द हजरात भी पढ़े लिखे हों। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट अभी भी खानदानी मंसूबा बंदी को गैर फितरी, गैर इस्लामी इन चीज़ों से जोड़ता है, तो ये मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे में इस अहम तरीन मामले में उलमा व मशाइख जो हैं उनकी कितनी इफादियत है, उनके किरदार किस तरह का किरदार आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, और आप लोगों के इंटरेक्शन रहता है पॉपुलेशन फंड काउंसिल वगैरह का? जी बिल्कुल, हमारा इंटरेक्शन रहता है उलमा इकराम से। इनफैक्ट 2015 में एक नेशनल लेवल हमने समझ लें समिट अरेंज किया था जिसमें रिलीजियस उलमा और स्कॉलर्स जो थे अक्रॉस ऑल सेक्ट फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के, और उन्होंने एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसमें आई थिंक बहुत एक आसान सी बात है और जिसमें रिलीजन और इंसानियत हर कोई इस चीज को मानेगा कि माँ और बच्चे की सेहत जो है वो हमारे माशरे की तरक्की के लिए सबसे क्रिटिकल है। माँ सेहतमंद होगी बच्चा सेहतमंद होगा, और माँ को सेहतमंद को सेहतमंद रखना इंश्योर करने के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चों में मुनासिब वक्फा है। और वो मुनासिब वक्फा एक तो नेचर में भी दिया हुआ है, अगर आप कुरान शरीफ की जो जो हदायत है कि माँ बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, एक वो नेचुरल, मतलब क्योंकि एक सोचें कि वो हमारे मजहब ने बहुत क्लियरली बताया है कि वो जो छोटा बच्चा है कम अज कम 2 साल तक एक्सक्लूसिव उस बच्चे का हक है माँ के दूध पे, क्योंकि वो बच्चे की सेहत की बुनियाद है। बिल्कुल। तो अगर फैमिली प्लानिंग से आप मुनासिब वक्फा रखेंगे और माँ बच्चे की सेहत इंश्योर होगी तो ये इसमें जैसे मैंने कहा उलमा इकराम हमारा तो बहुत पॉजिटिव इंटरेक्शन रहता है,
और सारे इस पराए में और तवाजन के, यानी कि एक माँ बाप की माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बहुत सपोर्टिव भी हैं। और दूसरा यह है कि मेरे ख्याल में ये, अगर आप आम पब्लिक में भी जाएंगे तो आम लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि जी ये हम इसलिए बच्चे नहीं करते क्योंकि ये कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, बिकॉज के हमें मजहब से कोई कतरन है। ये हमारी सोशो कल्चरल वैल्यूज और हमारे जो एक स्ट्रक्चर एग्रीकल्चरल और सोसाइटी, हमारे ट्राइबल सेटअप, हमारे ट्रेडिशन ऐसे रहे हैं कि लार्ज प्रेफरेंस, लार्ज फैमिलीज की प्रेफरेंस रही है। वरना अगर मुसलमान होने की कोई बात देखें तो सऊदी अरब का हमसे, मैं आ जाता हूं ना जरा मुसलमान होने के हवाले से ही, क्योंकि बांग्लादेश का जो मॉडल है उसको एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरीके से अपने बर्थ कंट्रोल जो ये जो रेशो है उसको कंट्रोल किया। जी सामिया, क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं, वहां पर आबादी में इजाफे की शरह को किस हद तक और कैसे महफूज किया गया या महदूद किया गया? जी जी, बांग्लादेश एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। बांग्लादेश, बल्कि मैं तो, हम तो अक्सर इसकी मिसाल भी देते हैं कि जब वो हमसे अलग हुए थे तो वो 2 मिलियन के लगभग हमसे ज्यादा थे, और अब हम उनसे कोई आई थिंक 70 मिलियन से भी उनसे हम ज्यादा, वो 17 करोड़ की पॉपुलेशन है एंड वी आर 240 मिलियन, 24 करोड़। एग्जैक्टली, तो अब वो देखें आपके, अच्छा उन्होंने एग्जैक्टली जो जिन बातों का जिक्र मैंने किया ना, उनकी ये एक समझ लें, ये बहुत जरूरी है कि इसको हम एक साइलो में नहीं ले सकते, ये सारी चीजें हुई। यानी उन्होंने 1971 में एग्जिस्टेंस के वक्त ही इसको नेशनल पॉलिसी के अंदर लेकर आ गए ना वो। जी जी जी, उनकी नेशनल पॉलिसी एक, वो जो अभी हम मिसाल दे रहे थे ना कि हुकूमत बदलती, उनकी जो भी हुकूमत आई, उनके भी आपको पता है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रही, बीच में मिलिट्री इंटरफेरेंस, ये वो सब कुछ उनका रहा, लेकिन जो भी हुकूमत आई उन्होंने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इस पॉलिसी को प्रायोरिटाइज रखा, उन्होंने डोर स्टेप पे जाके ये सहूलियात फराहम की, उन्होंने जो मस्जिद का के जो मौलवी साहब थे उनको ऑन बोर्ड लिया, उन्होंने खवातीन की लिटरेसी में इन्वेस्ट किया, उनकी खवातीन हमारी खवातीन से बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं शराय खानदगी के लिहाज से। फिर उनकी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि खवातीन खुद ब खुद जब पढ़ती हैं और एम्प्लॉयमेंट में आती हैं तो, या अगर बच्चे कम नहीं तो कम से कम बच्चों में वक्फा जो है वो मुनासिब है। यानी हम इस वक्त बांग्लादेश का जो मॉडल है उसको अपना सकते हैं। हम हमेशा से बात करते हैं कि बांग्लादेश जो है वो मौआशी तौर पर पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, लेकिन किन वजूहात के बिना पे निकला, उसकी क्या पॉलिसी अडेप्ट की उसने और किस क्या स्ट्रेटजी रही, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सकता है और उसको उससे सबक सीखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समिया अली शाह हमारे साथ मौजूद।